हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में जो जॉब अपडेट है वो है न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से कुल 450 वैकेंसियों पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन की सारी डिटेल आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें वैकेंसियां कहां निकाली गई है। वैकेंसियां निकाली है NIACL की तरफ से, यानी कि न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। टोटल वैकेंसियां कितनी निकाली गई है इस नोटिफिकेशन के द्वारा, 450 वैकेंसियां निकाली है यहाँ न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। जो ये कुल 450 वैकेंसियां निकाली गई हैं, ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसियां हैं, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट स्केल 1 की वैकेंसियां हैं। और इन सभी 450 वैकेंसियों पे जो आपका नोटिफिकेशन निकाला गया है उसका एडवर्टीजमेंट नंबर या उसका रेफरेंस नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस नोटिफिकेशन में जो कुल वैकेंसियां निकाली गई हैं वो 450 हैं, जिसको कि अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है, जिसमें रिस्क इंजीनियर की कुल 36 वैकेंसी हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की 96 वैकेंसी हैं, लीगल की जो वैकेंसियां हैं वो 70 वैकेंसियां हैं, अकाउंट्स की कुल 30 वैकेंसी हैं, हेल्थ के लिए 75 वैकेंसी हैं, आईटी के लिए 23 वैकेंसी हैं और जर्नलिस्ट ऑफिसर में यहाँ कुल 120 वैकेंसी हैं। तो इस तरीके से इन सभी 450 वैकेंसियों को अलग अलग स्ट्रीम के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए स्पेशलिस्ट की और जर्नलिस्ट की कुल कितनी वैकेंसियां रखी गई हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात करें आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। फॉर्म जो भरे जाएंगे वो 1 अगस्त 2023 से 21 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे। आफ्टर सिलेक्शन बात करें यहाँ पे आपकी सैलरी के बारे में, तो 450 वैकेंसियों पे सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट को जो मंथली ग्रॉस सैलरी दी जाएगी वो 80,000 रुपए महीना दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पे बात करें तो क्वालिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त 2023 रखी गई है। उसके अलावा जर्नलिस्ट स्ट्रीम में जितनी भी वैकेंसियां, यानी कि जो 120 वैकेंसियां जर्नलिस्ट स्ट्रीम में निकाली गई हैं, वहां जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी डिसिप्लिन से, और कैंडिडेट के अपनी डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के दौरान कम से कम 60% नंबर आए हो, तो ऐसे कैंडिडेट जो है वो जर्नलिस्ट स्ट्रीम की सभी वैकेंसियों को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट कैटेगरी की वैकेंसियां हैं उनके बारे में, कि उनपे पोस्ट वाइज क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके बारे में। रिस्क इंजीनियर की पोस्ट पे कैंडिडेट से जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें कैंडिडेट ने इंजीनियरिंग कर रखी हो, इंजीनियरिंग कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी कर रखा हो और इंजीनियरिंग कैंडिडेट ने किसी भी डिसिप्लिन से कर रखी हो, कैंडिडेट के इंजीनियरिंग के दौरान कम से कम 60% नंबर आए हो, तो ऐसे सभी कैंडिडेट जो है वो रिस्क इंजीनियर की कैटेगरी की वैकेंसियों को अप्लाई कर सकेंगे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की कैटेगरी में जो वैकेंसियां निकाली हैं वहां कैंडिडेट ने बीई, बीटेक, एमई, एमटेक कर रखी हो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या फिर कैंडिडेट ने जो है वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसके साथ ही कैंडिडेट के पास डिप्लोमा हो कम से कम 1 साल के ड्यूरेशन का ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, तो ऐसे कैंडिडेट जो हैं वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लीगल ऑफिसर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो लॉ में, तो ऐसे कैंडिडेट जो है वो लीगल ऑफिसर की पोस्ट को अप्लाई कर सकेंगे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या अकाउंट्स स्ट्रीम में जो वैकेंसियां निकाली गई हैं वहां कैंडिडेट ने सीए कर रखी हो और सीए के साथ ही कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी डिसिप्लिन में। हेल्थ स्ट्रीम में जो वैकेंसियां निकाली गई हैं वहां कैंडिडेट से जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें कैंडिडेट ने MBBS कर रखी हो, MD कर रखी हो, MS या PG मेडिकल डिग्री कर रखी हो, या फिर कैंडिडेट ने BDS या MDS कर रखी हो, या फिर कैंडिडेट ने जो है वो BAMS या BHMS कर रखी हो, तो ऐसे कैंडिडेट जो है वो हेल्थ स्ट्रीम की सभी वैकेंसियों को अप्लाई कर सकेंगे। IT स्ट्रीम में जो वैकेंसियां निकाली हैं उसमें कैंडिडेट ने BE, BTech, ME, MTech कर रखी हो IT में या कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन से, या फिर कैंडिडेट ने MCA कर रखी हो, तो ऐसे कैंडिडेट जो हैं वो IT कैटेगरी की जो वैकेंसियां निकाली गई हैं उनको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ दोस्तों सभी स्पेशलिस्ट कैटेगरियों में जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है उस मिनिमम क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट ने हर डिग्री और हर प्रोफेशनल कोर्स में कम से कम 60% नंबर स्कोर कर रखे हो तो ही आप इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाओगे। यानी बिलो 60% अगर आपके नंबर हैं तो आप इन पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, अबव 60% वाले कैंडिडेट ही इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की यहाँ पे बात करें तो आपकी जो एज लिमिट रखी गई है वो मिनिमम 21 साल रखी गई है, मैक्सिमम 30 साल रखी गई है, और मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त 2023 है। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कुछ जो रिजर्व कैटेगरियां हैं उनको अपर एज लिमिट में जो छूट दी जाएगी उसकी डिटेल भी बता रखी है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट का 3 स्टेजेस में यहाँ एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले प्री होगा, फिर मेंस का एग्जाम होगा और फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। प्री के एग्जाम की अगर बात करें तो आपका जो ये प्री का एग्जाम होगा ये कुल 100 नंबर का होगा। ये पेपर जो होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। इस पेपर के लिए कैंडिडेट को कुल 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा।
इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन होगा जो कि 30 नंबर का होगा, रीजनिंग का सेक्शन होगा जो कि 35 नंबर का होगा, और मैथ का सेक्शन होगा जो कि कुल 35 नंबर का होगा। हर सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए कैंडिडेट को 20-20 मिनट का टाइम स्लॉट जो है वो दिया गया है। आपका जो ये पेपर होगा प्री का, ये क्वालिफाई नेचर का टेस्ट है, यानी कि इस पेपर के बेसिस पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके मेंस के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। आपके प्री के नंबर कहीं भी सिलेक्शन में या फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किए जाएंगे। मेंस के एग्जाम की अगर बात करें तो मेंस का एग्जाम जो है वो जर्नलिस्ट के लिए अलग पैटर्न पे रखा गया है और स्पेशलिस्ट के लिए अलग पैटर्न पे रखा गया है। सबसे पहले जर्नलिस्ट कैटेगरी में जो वैकेंसियां निकाली गई हैं उसकी अगर बात करें तो यहाँ आपका जो पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा। इस पेपर के लिए कैंडिडेट को कुल 2.5 घंटे का टाइम दिया गया है। आपका ये पेपर जो है वो ऑनलाइन मोड से लिया जाएगा। सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ आपका रीजनिंग का टेस्ट होगा जो कि कुल 50 नंबर का सेक्शन है, इसके लिए 40 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज का आपका 50 नंबर का सेक्शन रखा गया है, इसके लिए भी 40 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस का आपका 50 नंबर का सेक्शन होगा, इसके लिए 30 मिनट कैंडिडेट को दिए जाएंगे। और मैथ का भी आपका 50 नंबर का सेक्शन होगा जिसके लिए कैंडिडेट को कुल 40 मिनट का समय दिया जाएगा। अब स्पेशलिस्ट कैटेगरी में जो वैकेंसियां निकाली गई हैं उनके एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो रीजनिंग का जो सेक्शन रखा गया है वो 40 नंबर का है, इसके लिए कैंडिडेट को 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ 40 नंबर का सेक्शन है, इसके लिए कैंडिडेट को 30 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस का यहाँ 40 नंबर का सेक्शन रखा गया है, इसके लिए कैंडिडेट को कुल 25 मिनट का समय दिया जाएगा। मैथ का जो सेक्शन रखा गया है कैंडिडेट का वो 40 नंबर का रखा गया है, उसके लिए कैंडिडेट को कुल 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और उसके अलावा जो कैंडिडेट की स्पेशलिस्ट नॉलेज होगी यानी कि जो आपकी टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज होगी उसका भी कुल 40 नंबर का सेक्शन रहेगा और सेक्शन के लिए कैंडिडेट को कुल 35 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इस तरीके से स्पेशलिस्ट की कैटेगरी में जो वैकेंसियां हैं उनको जो है एग्जाम यहाँ मेंस का देना होगा। और इसके तुरंत बाद यहाँ पे कैंडिडेट का डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि कुल 30 नंबर का रखा गया है। डिस्क्रिप्टिव के लिए जो टाइम दिया जाएगा आपको वो 30 मिनट का दिया जाएगा। ये आपका जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा जिसमें कि लेटर राइटिंग का क्वेश्चन होगा 10 नंबर का और एसे का क्वेश्चन होगा यहाँ पे 20 नंबर का। आपका ये डिस्क्रिप्टिव पेपर भी जो है वो ऑनलाइन मोड से ही लिया जाएगा। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है यहाँ भी कैंडिडेट का ये क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है। डिस्क्रिप्टिव के नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन में या फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कहीं भी काउंट नहीं किए जाएंगे। यहाँ आपकी प्री और मेंस के एग्जाम में जो है वो पेनल्टी भी रखी गई है। पेनल्टी जो रखी गई है वो 1/4 नंबर की रखी गई है। और मेंस के एग्जाम के बाद कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन में जो आपकी वेटेज रहेगी वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की 75% की रहेगी और इंटरव्यू की जो रहेगी वो 25% की रहेगी। तो इस तरीके से इन सभी स्टेजेस के बाद कैंडिडेट का इन सभी 450 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसियों पे फाइनल सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी डाली हुई है। कैंडिडेट को ये सभी डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के टाइम पे डिपार्टमेंट के सामने ओरिजिनल और इनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है वो प्रोड्यूस करानी होगी। उसके अलावा इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कुछ गाइडलाइन भी बता रखी है। कैंडिडेट को इन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने फोटोग्राफ की इमेज, अपना साइन, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन की जो इमेज है वो ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त अपलोड करनी होगी। फीस स्ट्रक्चर की अगर यहाँ पे बात करें कि क्या फीस स्ट्रक्चर रखा गया है तो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए जो फीस रखी गई है वो 100 रुपए रखी गई है और उन सभी कैटेगरी को छोड़कर बाकी जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट इन पोस्ट को अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए जो फीस है वो 850 रुपए रखी गई है। तो दोस्तों अगर आपको आज वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें।